ऐसे शाबाश वेरी गुड रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल दिस इज अ अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम हो गया आप सभी का एन अदर ब्लॉग के अंदर। तो क्या हाल चाल है भाई। जिस तरह तुम लोगों को बताते चले हैं कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि स्पोर्ट्स डे वाला ब्लॉग हम लोग लाएंगे। दो दिन था स्पोर्ट डे, दूसरा दिन है। कल वाले दिन के अंदर हमारा फ़ोन सर के हाथों पकड़ा जा चुका था। बाकी आज कोशिश करेंगे कि इस तरीके से ब्लॉग किया जाए कि फ़ोन भी ना पकड़ा जाए और आप लोगों को इन्जॉय भी करवाया जाए। तो तुम्हारा भाई उठते पहले नमाज़ पढ़ी है और नहीं उस्तादा पहले आप बोल लो नहीं पहले आप बोलो तो भैया तुम लोग का वही पहले नमाज पढ़ी है फिर उसके बाद उठ के तैयार हो गए। हम सबका वेट करेंगे कब पहुंचते हैं फिर हम कब निकलते हैं। 20 minutes later घर से निकल के हम लोग पहुंच गए ग्राउंड वाली साइड पर। एज यू कैन सी हमारे बशिंदे हमारे साथ हैं और देखते हैं इससे पहले हमारा फ़ोन पकड़ा जाए फ़ोन पकड़ते हैं। सो इस वक्त हम लोग आए हैं अपनी 10th की टीम के पास। स्ट्राइकर्स 9 सारे यहाँ पे कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम लोग देख सकते हो इस वक्त सर की नज़रों से मैं बच रहा हूँ। इससे पहले उनके हाथ में चढ़ूँ मेरा फ़ोन उनके पास जाए कोशिश तो यही है कि बच बच के खेलें। बाकी तुम लोग को अपडेट करता रहता हूँ मैं साथ साथ। और वहाँ पे हसन भी एज यू कैन सी खेल रहे हैं वो रिकॉर्ड में नज़र आ ही रहा होगा। देखते हैं अब क्या करना है। एज यू कैन सी हमारे प्रोफेशनल बैटर हमारी टीम के कैप्टन के वाइस कैप्टन और हसन भाई इस वक्त फुल बॉय है। हसन बच गया और जगह स्लिपरी है। इससे पहले हमें कोई और देखे हम जल्दी फोन को डालता जी। इस वक्त बच बचा के कैमरा तो खोल रहे हम लोग और छक्के पे छक्के पड़ रहे हैं। ये कोर बॉल पड़ने बच्चों को बैच करोगे छक्के पड़ेगा यार। बाउंड्री इतनी बाउंड्री तो देखो ना हमारी गली क्रिकेट में भी थी 40 मीटर की बाउंड्री है। हम फिर चलो मार लेंगे वो तो फिर इनमें से कुछ ऐसे चीजें अच्छा लगता है। देखिए ये देखो कैच पकड़ यार कैच पकड़ यार आउट छक्के छक्के पे छक्के भाई जान इधर टॉस होने लगा। हसन भैया क्या सूरत हाल जा रही है कैप्टन से पूछो। वीर भाई जरूर कर दूंगा। बाकी सारे तैयार हो तैयार है इस वक्त होने लगा है टॉस। किसके बाद जाता है वीर क्या लेना है पांच है लो जी अपनी टीम इस वक्त बैटिंग में जा रही है। सो देखते क्या बनता लो जी इस वक्त टीम हमारी जीत कर वापस आ चुकी है। आवाज भाई इधर है इधर है इधर है कैसा लग रहा है। बहुत आला यार लग रहा है सेमीफाइनल में आ गए सेमीफाइनल जीत के भाई फाइनल के अंदर। इस वक्त हमारी टीम है तो नेक्स्ट मैच जो है वो थोड़ा टफ टीम के साथ है इसके लिए तैयारी कर लो। यहाँ तक तो हमें लग रहा था कि हम लोग मैच जीत चुके हैं लेकिन क्या पता था ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं टिकने वाली। जैसा कि खवातीनो हजरात आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे वाइस कैप्टन हमाद भैया फुल परफॉर्मेंस दिखाते हैं यानी कि प्रैक्टिस हो रही है फाइनल मैच की। हसन भाई भी अपनी बॉलिंग के अंदर लगे हैं। हसन भैया बॉलिंग का क्या सीन है आपकी। अच्छी है बस कोशिश है आप फाइनल जीत फाइनल में पहुंच गए लेकिन फाइनल जीत कर आना है बिकॉज ट्रॉफीज अपने हाथ में होनी चाहिए। सो वेट करते हैं कब इनका फाइनल। जिस मोमेंट का वेट था वो आ चुका है भाई फाइनल। हसन भाई फाइनल होने लगा कैसी
दिल की धड़कने तेज है कि नहीं? नहीं। तेरा कोई हाल ही बनना, ये पहले कोई हाल है तुझे खेलना आता है? निकल जानी है बस, इतनी सी बात है। अब वो फिर टफ टीम है इसलिए मुश्किल हो गया, तो कोई बात चुके हैं बैटिंग करनी है मेरे शेर जान। इंशाल्लाह यार, पहले पहली ओवर में ना 40+ या 30+ हो जाए कोशिश। चलो जीत कर आना मेरे भाई। बॉलिंग में परफॉर्म किया है, इसी तरह अगर बैटिंग भी अच्छे खेलेंगे तो यकीनन गेम चैंपियन है। तो बॉल की पेस पे भी ध्यान देना होगा, अच्छी बॉलिंग जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग। आखिर क्या कहा था, ये खुशी सिर्फ चंद लम्हों के लिए। आज जितनी कोशिशें की थी इन सब ने, गलती हमारी लास्ट ओवर में हुई है। लो जी वाइस कैप्टन से बात करते हैं मात भाई, हार जीत तो है मैच के अंदर। घर आ चुके थे, हसन भैया को मैंने घर ड्रॉप कर दिया था और खुद घर आके बैठ गए हैं और खाना खुना खाया, तो अब एडिटिंग करने बैठ गए हैं। तो भाई जान आज का ब्लॉग मैं कहता हूँ इसी नोट पे कर देना खत्म। अगर ब्लॉग पसंद है तो लाइक क्लास में कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना।